स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में स्पेशली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। पिछले वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था, कई सारे हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किए थे। टोटल हमने जितना भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं सारे हमने डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको हम एसिटिक एसिड के बारे में बताएंगे, कैसा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, और इसी में साथ साथ हम आपको बताएंगे बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे, और इसी में हम आपको बताएंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसे कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्पेशली सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं एसिटिक एसिड। जैसे यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, आप यदि फार्मूला देखेंगे एसिटिक एसिड का CH3COOH, आप तुरंत इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना कहेंगे, 60 कहेंगे। बट यहाँ पर हम आपको बताएंगे मॉलिक्यूलर वेट यदि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में आप 120 लगाएंगे। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 मोल के साथ होता है। जब 2 मोल एसिटिक एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, इसी वजह से मतलब 120 मॉलिक्यूलर वेट रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर 1 मोल है, इतने कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 60 है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हम आपको ब्लैक से बनाते हैं पहले, क्या लिखा CH3COO, फिर इसके बाद लिखा है CH3COO। यहाँ पर हम आपको देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इतना जो यहाँ से इतना पूरा यदि आप देखेंगे क्या लिखा है एसिटिक एसिड, इतने का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 60 है, और इतना देखिए जो लिखा CH3COOH यही एसिटिक एसिड ए भी है, इसका मॉलिक्यूलर वेट इतने कंपाउंड का कितना, 60 है, 60 है। तो यहाँ पर इतना 60 और प्लस 60 टोटल मिलाकर कितना होगा, 120। देखिए यहाँ पर जो क्या दर्शा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर क्या दर्शा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यह क्या दर्शा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमने रेड कलर से दिखाया है, वो क्या दर्शा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर। एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर हो रहा है और एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं जब 2 के केस में इसे हम क्या कहते हैं डाइमर कहेंगे। यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट यदि हम देखें, ये क्या लिखा है एसिटिक एसिड, क्या लिखा है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो हमारा कंपाउंड क्या लिखा है एसिटिक एसिड, यदि इसका हम मॉलिक्यूलर वेट देखें, यदि इसका मॉलिक्यूलर हम वेट देखें मॉलिक्यूलर वेट कितना है, क्योंकि यहाँ पर एक बार एसिटिक एसिड और यहाँ पर एक बार, टोटल कितने टाइम हो गया, 2 टाइम 2 गुणे 60 टोटल कितना होगा 120। जो क्या लिखा है डाइमर, कैसे एग्जिस्ट करते हैं डाइमर के रूप में। देखिए हम आपको अगेन रिपीट करवाते हैं, ये हमारा कंपाउंड क्या लिखा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के यदि आपके एग्जाम में मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाएगा आप टोटल कितना लगाएंगे, 120 मॉलिक्यूलर वेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहे हैं और एक यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, यहाँ पर एक और यहाँ पर, टोटल कितना दस रहा डाइमर है, इसलिए एसिटिक एसिड क्या शो करते हैं डाइमर शो करते हैं। डाइमर क्यों शो करते हैं,
क्योंकि दो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, डाइमर शो करता है। तो मॉलिक्यूलर वेट टोटल कितना हो गया, 2×60 कहीं कहीं पर लिखा होता है, यह टोटल हम कितना लिखेंगे, 120 मॉलिक्यूलर वेट, और कैसे शो करते हैं, डाइमर के रूप में। क्लियर। अब हम आपको इसी में बताते हैं, ये तो हमारा हो गया। अब हम आपको एक प्रॉपर्टीज और बताते हैं कि जितने भी एसिड होते हैं वो सब वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। सबसे पहले हम आपको इसमें इंग्लिश में सुनाते हैं, चलिए पहले हम आपको इंग्लिश में बताते हैं, देन इसके बाद हम आपको हिंदी में कैसे समझाएंगे। क्या लिखा, एसिड आर सॉल्युबल इन नेचर बट इन सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज CCl4 बेंजीन बट ड्यू टू द एग्जिस्ट ऑफ द बिकॉज एग्जिस्ट ऑफ द डाइमर। चलिए हम आपको इसको हिंदी में समझाते हैं। हमें कहते हैं कि जितने भी एसिड होते हैं वो सब पानी में घुल जाते हैं। ये हमने बोला कि एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर, क्लियर, बट इन सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन, ये जो होते हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, इसमें जो एसिड होते हैं इन सॉल्युबल नेचर दर्शाते हैं। विकास क्यों, क्योंकि एग्जिस्ट एज द डाइमर। अभी हम आपको बताए थे एसिटिक एसिड जो होता है वो डाइमर के रूप में शो करता है, यही कारण होता है एसिड जो होती है वाटर में डिजॉल्व होते हैं और नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो इसमें हम आपको लैंग्वेज पहले लिखवाते हैं। हमने क्या बोला, एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। एसिड जो होती है वो क्या होता है, पानी में घुल जाते हैं। एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन होते हैं, सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन। क्या लिखा है, बेंजीन। विकास एग्जिस्ट एज डाइमर इन दिस सॉल्वेंट। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है, एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी एसिड होते हैं सब पानी में घुल जाते हैं, कैसा नेचर दर्शाते हैं, सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल। क्या दर्शा रहा है, बट क्या लिखा है, इनसॉल्युबल नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नॉन पोलर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और बेंजीन, यही दो क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं लेकिन स्पेशली हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना चाहिए। जैसे हम आपको दो एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें एसिड क्या होता है, इनडिजॉल्व इनसॉल्युबल नेचर होते हैं। बिकॉज क्यों, क्योंकि एग्जिस्ट एज डाइमर, डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं इन दिस सॉल्वेंट। क्या होता है, इन दिस सॉल्वेंट। अब हम आपको बताते हैं इसी में बॉइलिंग पॉइंट। चलिए हम आपको बॉइलिंग पॉइंट बताते हैं, किसका कितना बॉइलिंग पॉइंट, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। तो जो बॉइलिंग पॉइंट हम ऑर्डर आपको सबसे पहले बताते हैं, इसके बाद देन आपको हम बताएंगे, अब हम आपको बताएंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर।
बॉलिंग पॉइंट ऑर्डर, क्योंकि आपके एग्जाम में बॉलिंग पॉइंट ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट होता है बीपी। इसे हम क्या शॉर्ट फॉर्म कहेंगे, बीपी, बॉलिंग पॉइंट। बॉलिंग पॉइंट यदि हम आपसे बताएं, सबसे पहले ऑर्डर सबसे पहले किसका होगा, एसिड एमाइड का, दूसरे नंबर पे होगा एसिड एनहाइड्राइड, थर्ड नंबर पे होगा क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, फोर्थ नंबर में एस्टर, फिफ्थ में क्या होना चाहिए, एसिड क्लोराइड। चलिए सबसे पहले हम आपको लिख के दिखाते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, सबसे पहले किसका बताए थे ऑर्डर, एसिड एमाइड। अभी हम आपको और कैसा होना चाहिए, सारे एसिड सेम होना चाहिए, एसिड एमाइड। देखिए हम आपको यहाँ पर लर्न करने एक तरीका बता रहा हूँ, एसिड एमाइड। दूसरा क्या लिखा है, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। थर्ड नंबर में आएगा हमारा एसिड, फोर्थ नंबर में क्या होगा, एस्टर, देन इसके बाद क्या होगा, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड यही हमारा ऑर्डर हो गया। क्या लिखा है, सबसे पहले एसिड एमाइड, एसिड एमाइड में कौन होगा, CH3 CONH2, इसे हम क्या कहेंगे, देखिए एमाइड ग्रुप लिखा है, CONH2 को हम क्या कहेंगे, एमाइड ग्रुप। जो हमारा CONH2 इतना ग्रुप को हम क्या कहेंगे, एमाइड ग्रुप। और इसका क्या नाम हो जाएगा, एसिटामाइड, एसिटामाइड, इसे हम कहेंगे एसिटामाइड। और एसिड एनहाइड्राइड, देखिए CH3 CO होल ट्वाइस O, इसे हम क्या कहेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। थर्ड पोजीशन पे हम क्या लिखा है, एसिड, एसिड में स्पेशली हम क्या पढ़ेंगे, एसिटिक एसिड। इसके बाद क्या लिखा है, एस्टर, एस्टर में हम क्या लेंगे, एथिल एसिटेट CH3COOC2H5, क्लियर। इसके बाद हम थर्ड क्या लिखेंगे, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड में एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। देखिए आपको लर्न करने में इसलिए आसान हो गया, क्योंकि यदि हम आपको डायरेक्ट बताते हैं, यदि हम आपको यही ऑर्डर डायरेक्ट बताते हैं तो आपको याद करने में कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखिए कैसे आप याद करेंगे, ए ए ए ई ए सी, यही देखिए 3 टाइम ए लिखा है, फिर ए सी, आपको क्या करना, लर्न करने में कितना आसान है। आप सबसे पहले 3 टाइम ए ए ए लिख दीजिएगा, फिर ई, फिर लास्ट में ए सी। तो देखिए बस आपको ये लर्न करने, या कैसे पढ़ेंगे, ए क्यू ए सी, ए क्यू ई ए सी। देखिए लर्न करने का तरीका कितना आसान हो गया। देखिए ए फॉर क्या लिखा है, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। दूसरा क्या लिखा है, एसिड एनहाइड्राइड। थर्ड क्या लिखा है, एसिड। फोर्थ हमारा क्या लिखा है, एस्टर। और फिफ्थ में क्या लिखा है, एसिड क्लोराइड, क्लियर। अब चलिए हम आपको इसी में देखिए, यदि हमें ऊपर वाला चार्ट लर्न हो गया तो हमें क्या होगा, हम फार्मूला अपने मन से बना सकते हैं। और सभी में CH3 मस्ट होना चाहिए, एक ही जो हम इसमें हम एसिड लेंगे एक ही तरह का एसिड होना चाहिए, सभी में देखिए CH3 प्रेजेंट जरूर होगा। तो सबसे पहले हम ऑर्डर हमारा क्या होगा, आपके एग्जाम में ऑर्डर यही आएगा, आपके एग्जाम में जो हमने रेड कलर की लिखा है आपके एग्जाम में ऑर्डर यही आएगा, लेकिन हम आपको यहाँ पर लर्न करने का तरीका सिखाया हूँ। तो सबसे पहले एसिड एमाइड, एसिड एमाइड में क्या होगा, एसिटामाइड CH3CONH2। फर्स्ट किसका ऑर्डर होगा, एसिटामाइड। सेकेंड क्या लिखा है, एसिड एनहाइड्राइड CH3CO2H2O, इसे हम क्या कहेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। ये हमारा क्या लिखा है, एसिटिक एसिड। एक क्या लिखा है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसे हम क्या कहेंगे, एथिल एसिटेट, एथिल एसिटेट। देखिए RCOOR, इसे हम क्या कहेंगे, एस्टर। और इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, एथिल, यहाँ पर C2H5 एथिल लिखा है इसलिए CH3COO एसिटेट, एथिल एसिटेट हो जाएगा। और नीचे क्या लिखा है, एसिड क्लोराइड,
क्योंकि आर देखिए यदि सीएस्टरिक स्थान पे हमने आर रख दिया आर सीओ सीएल इसे हम क्या कहेंगे एसिड क्लोराइड, लेकिन जब हम यहाँ पर सीएस्टरिक ग्रुप लगा दिए तो इसे हम क्या कहेंगे एसिटिल क्लोराइड, इसे हम क्या कहेंगे एसिटिल क्लोराइड। बस आपको ऑर्डर कितना आसान हो गया। चलिए हम आपको एक बार और सिखाता हूँ, सबसे पहले एसिड अमाइड, दूसरा एसिड एनहाइड, थर्ड एसिड, फोर्थ एस्टर, फिफ्थ एसिड क्लोराइड। आप फार्मूला क्या पढ़ेंगे AQEAC। तो एसिड अमाइड में क्या मिलेंगे एसिटामाइड CH3CONH2, सेकंड हमारा एसिड एनहाइड्रेट कौन है CH3CO होल ट्वाइस हो, फिर क्या लिखा एसिड में क्या मिलेंगे एसिटिक एसिड, ये हमारा क्या लिखा एस्टर, ये हमारा क्या लिखा एस्टर, देखिए ये हमारा क्या लिखा एस्टर, एस्टर में हम क्या लेंगे एथिल एसिटेट, और फोर्थ में एसिड क्लोराइड, इस कंपाउंड का क्या नाम होता क्या नाम होगा एसिटिल क्लोराइड। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यदि हम आपको एक ही पॉइंट बताएंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फिर इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, इसी कंपाउंड में हम एसिडिक स्ट्रेंथ बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा कंपाउंड होगा सबसे ज्यादा आर्डर किसका होगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको एक पॉइंट बताते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसे कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसे कहते हैं, इट इज ए प्योर एनहाइड्रस एसिटिक एसिड एट 16.5 डिग्री सेल्सियस, उसे हम क्या कहेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब हम आपको हिंदी में बताते हैं क्या लिखा है इट इज प्योर, कैसा होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए, इट इज प्योर एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब वहां पर जहां पर वाटर ना हो, एनहाइड्रस जिसे हिंदी में निर्जला कहते हैं मतलब यहां पर कोई वाटर ना हो, वाटर अब्सेंट होना चाहिए, एनहाइड्रस एसिटिक एसिड, एनहाइड्रस एसिटिक एसिड एट टेम्परेचर कितना होना चाहिए 16.5 डिग्री सेल्सियस, इतना मस्ट भी होना चाहिए, क्या लिखा 16.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड हम किसे कहते हैं इट इज प्योर एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मीन्स क्या होगा जहां पर वाटर अब्सेंट होता है, यहां पर वाटर नहीं होता है, एनहाइड्रस वाटर ना के बराबर मतलब वाटर होगा ही नहीं, इट इज ए प्योर एनहाइड्रस एसिटिक एसिड, टेम्परेचर कितना होना चाहिए एट 16.5 डिग्री सेल्सियस, इसे हम क्या कहेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक सेकंड पार्ट होगा एसिडिटी आर्डर या एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो